आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी हो रही है। ये खबर अब सिर्फ महज गॉसिप नहीं है बल्कि जल्द ही खूबसूरत हकीकत बनने जा रही है। सिर्फ चंद दिनों का इंतजार और फिर आलिया भट्ट के नाम के आगे कपूर सरनेम भी जुड़ जाएगा। मन ही मन में रणबीर को अपना हस्बैंड मान चुकी आलिया ऑफिशियली मिसेज रणबीर कपूर बन जाएंगी। बॉलीवुड गलियारों में इन दिनों सबसे ज्यादा किसी बात के चर्चे हैं तो वो है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी के। दोनों की शादी को वेडिंग ऑफ द ईयर भी कहा जा रहा है। आलिया वेडिंग की तैयारियां पूरी जोरों पर हैं, तो वहीं इस बीच एक सवाल भी उठ खड़ा हुआ है और वो सवाल है आलिया भट्ट की नागरिकता का। ये तो सब जानते हैं कि बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर महेश भट्ट की बेटी होने के बाद भी आलिया भट्ट के पास भारतीय नागरिकता नहीं है। उनके पास ना तो भारतीय पासपोर्ट है और ना ही वोट देने का अधिकार। दरअसल आलिया ब्रिटिश नागरिक हैं, उनके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है। ऐसे में सवाल ये किया जा रहा है कि क्या रणबीर कपूर से शादी के बाद आलिया अपनी नागरिकता बदलेंगी, क्या वो ब्रिटिश नागरिकता की बजाय भारतीय नागरिकता अपनाएंगी। बता दें कि आलिया की मॉम सोनी राजदान भी ब्रिटिश मूल की नागरिक हैं। सोनी राजदान का जन्म बर्मिंघम में हुआ था। सोनी के पिता यानी कि आलिया के नाना नरेंद्र नाथ राजदान कश्मीरी पंडित हैं, जबकि उनकी मॉम ब्रिटिश जर्मन है। वहीं 15 मार्च 1993 को आलिया भट्ट का जन्म लंदन में हुआ था। यही वजह है कि आलिया को भी ब्रिटिश नागरिकता मिली हुई है। एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने भी अपनी बेटी के ब्रिटिश नागरिक होने पर बात की थी। तब महेश भट्ट ने कहा था कि आलिया की मां सोनी राजदान ब्रिटिश ओरिजिन की हैं। उनका जन्म बर्मिंघम में हुआ था, इसलिए आलिया को ऑटोमेटिकली ब्रिटिश नागरिकता मिल गई। भारत में पली बढ़ी और नाम कमाने वाली आलिया ने आज तक अपनी ब्रिटिश नागरिकता को छोड़कर भारतीय नागरिकता नहीं ली है। हालांकि बॉलीवुड की इस पॉपुलर अभिनेत्री को कई बार अपने ब्रिटिश नागरिक होने की वजह से ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ चुका है। एक बार जब आलिया से वोटिंग के बारे में सवाल किया गया था, तब उन्होंने जवाब दिया था कि बदकिस्मती से मैं वोट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। अगली बार इलेक्शंस में मैं वोट करने की कोशिश करूंगी जब मुझे ड्यूअल नागरिकता मिल जाएगी। बता दें कि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। कुछ साल पहले आलिया की नागरिकता को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल के साथ सोनी राजदान की तीखी बहस भी हो चुकी है। वहीं केआरके जैसे पंगेबाज सेलेब्स भी आलिया की ब्रिटिश नागरिकता पर तंज कस चुके हैं। बता दें कि बॉलीवुड में कई कलाकार हैं जिनके पास भारतीय नागरिकता नहीं है। आलिया के अलावा कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, जैकलिन फर्नांडिस जैसे स्टार्स हैं जो विदेशी नागरिक हैं। हाल ही में जब कैटरीना कैफ ने विकी कौशल के साथ शादी की थी, तब भी ये सवाल चर्चा में छाया था कि क्या कैटरीना कैफ इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेंगी, और अब यही सवाल आलिया भट्ट के लिए भी पूछा जा रहा है।